बच्चियां सिर्फ मैट्रिक या आईए ना करें, उससे आगे भी पढ़ें। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है कि दुनिया में सारे जगह देखा गया है कि अगर किसी समाज का उत्थान करना है तो सबसे पहले वहां की औरतों को शिक्षित करना होता है। कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना शिक्षा के जिसका विकास हुआ हो। अमूमन देखा जाता है कि जब लोग पढ़ लिख कर काबिल और कामयाब हो जाते हैं तो दूसरे शहरों में जाकर बस जाते हैं, लेकिन अभी हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में देखकर आप समझ गए होंगे, पूर्व आईएएस अधिकारी सैयद गुलरेज होदा जी, हिकमत फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और नूर गर्ल्स हाई स्कूल हिकमत फाउंडेशन द्वारा संचालित होता है। पहली विद्यालय की स्थापना रायबरी महुआ और दूसरी विद्यालय की बात करें हम तो मेघौल मठिया। आगे क्या इरादा है, चाहे इस विद्यालय से रिलेटेड या कुछ और इनके मन में हो तो चाहे तो ये साझा कर सकते हैं ताकि लोग जानें और समझें और विद्यालय से फ़ायदा उठाएं। आपने ईटीवी न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे क्या इरादा है, आगे क्या ख्वाब है, मैं उसी पे कहता हूँ। चाहते तो बहुत हैं हम लोग करना, जैसे दो स्कूल बन गए जो शुरू में हम लोग की प्लानिंग थी कि कम से कम तीन स्कूल पहले फेज़ में बना के फिर आगे बढ़ते हम लोग, पर दो स्कूल बनाने में काफ़ी वक्त लग गया। अब इस मोड़ पे पहुँचे हैं कि हम लोग को सोचना है कि हम लोग तीसरे स्कूल के तरफ बढ़ें या जो दो बन चुके हैं उन्हीं को ऐसे जगह ले जाएं कि जो हम लोग का मकसद है, लक्ष्य है, मंजिल है, वहाँ तक इन बच्चियों को हम ले जा सकें। मंजिल है कि बच्चियाँ सिर्फ मैट्रिक या आईए ना करें, उससे आगे भी पढ़ें। आगे पढ़ के हो सके तो पेशेवर हों, पेशे में जाएं, नौकरी करें, और अगर वो करना होगा तो कम से कम 11th और 12th तक भी इन स्कूलों को ले जाना होगा। जहां हम बैठे हैं मेघवल मठिया, इंशाल्लाह अगले सत्र से हम लोग 11th की पढ़ाई शुरू करेंगे। और यहां जो तामीरी काम है, जो निर्माण का काम चल रहा है, उसका यही उद्देश्य है कि हम लोग इतनी बिल्डिंग बना लें कि हम लोग फिर मान्यता के लिए आवेदन दे सकें 11th एंड 12th का एक ही साथ। तो जब 12th हो जाएगा बच्चियों का तो वो लोग तैयार हो जाएंगी प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, वगैरह वगैरह। उसके आगे भी हम लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि 12th तक ही काफ़ी नहीं है। एक बात जो हम लोग ट्रस्टी जितने हैं आपस में डिस्कशन ये हो रहा है कि क्या एजुकेशन टीचर की बहाली की सुविधा के लिए कोई ऐसा बीएड कॉलेज के बारे में हम सोचें जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज हो कि आपकी बीए और बीएससी डिग्री भी मिल जाए और साथ साथ बीएड का भी डिग्री मिल जाए। ये 4 साल का कोर्स होगा, ये आया है सरकार के तरफ से। तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है, आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, पर ख्वाब हम लोग देखते हैं कि इन सब दूर दराज इलाके की जितनी बच्चियां हैं सब शिक्षित हो जाएं, सब तालीम याफ्ता हो जाएं, सब पढ़ लिख लें कि सब अपने पैरों पे खड़े हो सकें और योगदान दें जीवन में अपने देश के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने राज्य के लिए। शुरुआती दौर में मैंने कहा कि लोग जब पढ़ लिख कर काबिल और कामयाब हो जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वहीं बस जाते हैं, लेकिन गुलरेज सर ने अपना जो जन्म स्थान है लौरिया वहीं रहते हैं और क्षेत्र की जो शिक्षा की हालात है उस पर चिंतन करते हैं और बच्चियां कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, उसके लिए नूर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की गई है रायबरी महुआ और मेघौल मठिया। इन दो जगहों को आपने क्यों चुना, कुछ विशेष परिस्थितियाँ यहाँ थी, आपने यहाँ क्या देखा? हम लोग जब ये काम करना शुरू किए थे तो पहले सोचा कि जो हम लोग का गृह क्षेत्र है उस ज़िला में ही काम करे, तो फिर सर्वे किया था हमने
और ब्लॉक में पंचायत वार सर्वे करके देखा हमने, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, फीमेल लिटरेसी जो महिला साक्षरता है, आप पश्चिम चंपारण में देखिएगा तो बिहार राज्य में एक तरह से नीचे के पायदान में है, और उसमें भी जो ये सब पंचायत हैं, रायबारी महुआ हुआ, ये मेघवल मठिया हुआ, पास के पंचायत हैं, इसमें समझिए 4-5% और भी उससे नीचे हैं। तो महिला साक्षरता पे अगर हमको जोर देना था, और महिला साक्षरता इसलिए अहम है, महिलाओं की शिक्षा इसलिए अहम है कि दुनिया में सारे जगह देखा गया है कि अगर किसी समाज का उत्थान करना है तो सबसे पहले वहाँ की औरतों को शिक्षित करना होता है, उससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं क्योंकि पूरा परिवार उससे फायदामंद होता है। तो उद्देश्य था हमें लड़कियों की शिक्षा, और ये सारे इलाके बहुत बैकवर्ड इलाके थे, इसीलिए हम लोगों ने चुना। दो स्कूल तो हो चुके हैं, तीसरा का भी इरादा है, तो उस पर कुछ काम हम चल रहा है, तो चाहे तो उसे भी साझा कर सकते हैं ताकि लोग जाने, जहां पिछड़ा इलाका है, जहां लोग बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में हो तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए ज़रूरत तो बहुत है, और जो पश्चिम चंपारण में हमारे सर्वे से बहुत सारे इलाके निकल के आए जहाँ पे शैक्षिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके महिलाओं में। एक गरीब इलाका है, तिरवाहा का इलाका है, पर जैसे हमने पहले कहा, हम लोग को ये सोचना होगा कि सारे अभी जो हमारी ताकत है, कुव्वत है, ये सब इन सब चीज़ों में बहुत सारे संसाधन लगते हैं, तो क्या हम लोग इन दो स्कूलों को लेके एक ऊंचाई पे पहुँचाएँ या तीसरा मोर्चा खोलें, ये हमारे अंदरूनी ये एक तरह से बात चल रही है, देखिए आगे क्या फैसला होता है। एजुकेशन से रिलेटेड जो समाज के लोग हैं तो उनको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं तो उसे भी दे सकते हैं। ये तो मैं अपने विश्व बैंक की नौकरी में प्राय दुनिया के सभी देशों में गया हूँ, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना शिक्षा के जिसका विकास हुआ हो, कोई ऐसा देश नहीं है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सार्वजनिक, बिना सार्वजनिक गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा के कोई देश विकसित नहीं हुआ है। मैं अमेरिका में रहता था, अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर, निजीकरण, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की बात होती है, पर वहाँ का जो सरकारी तंत्र है शिक्षा का, जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, A1 है। सब छोटे छोटे ज़िलों में सरकारी स्कूल चलते हैं, और कोई भी लड़का लड़की इन सरकारी स्कूल में पढ़ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच सकता है, ये है गुणवत्तापूर्ण। और आप इंग्लैंड जाइए, जापान जाइए, रशिया जाइए, जर्मनी जाइए, सब समाज में सार्वजनिक शिक्षा पे अहमियत दी जाती है। जब तक हम लोग अपने बिहार में, अपने देश में गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता है कि जिस ऊंचाई पे हम लोग को जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच पाएंगे। पूर्व IAS अधिकारी सैयद गुलरेज होदा जी ने ईटीवी इंडिया न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद।